अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट हूँ। तो फ्रेंड्स बात करेंगे जी, अभी तो क्या ही बात करें जी, माशाल्लाह और सुभान अल्लाह के ज़रा तो नारे तो लगा दें ज़रा, क्योंकि आप लोगों ने देखा जैसे ही नमाज रोज़े की बात आई तो माशाल्लाह से घर में कुरान खानी का इनेकाद किया गया, जो कि बड़ा अच्छा लगा। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। ये काम इनको थोड़ा और पहले करवाना चाहिए था। बोल रहे हैं कि इन्होंने नया घर जब बनवाया था उस वक्त करवा चुके हैं कुरान खानी, तो बड़ी अच्छी बात है। और हमारे यहाँ तो ऐसा भी होता है यार, शादी से पहले भी होती है। अब लोग बोलेंगे अपने घर की बातें करने बैठ जाती है, तो भैया अपने घर की नहीं कर रही, ठीक है ना। सबके घर का एक अलग रूल होता है, पर हमारे यहाँ ऐसा होता है और यकीनन बहुत सारे लोगों के घर में होता होगा कि जब कोई शादी वादी शुरू होने वाली होती है तो सबसे पहले माइयों से भी पहले जो है वो हम लोग कुरान खानी मिलाद करवाते हैं ऐसा घर में ना। तो खैर इन लोगों को अभी ख्याल आया, शुक्र है, पर आया, पर घर के अफरादों को मालूम ही नहीं था ना, मतलब घर वालों के लिए तो एक सरप्राइज़ था, सरप्राइज़। हाँ तो ये तो इन लोग क्या बहुत ही रहता है, हर चीज़ पे कोई गिफ्ट आ जाए तो वो सरप्राइज़ बन जाता है। बच्चे ने ज़ोर से हंस दिया तो वो सरप्राइज़ हो जाता है, मतलब बच्चे ने सुसु भी कर दिया तो वो भी सरप्राइज़ है। तो खैर तो भैया वहाँ पर हुई माशाल्लाह से कुरान खानी हुई, जो कि बहुत अच्छी महफिल सजाई इन लोगों ने। अच्छा जी, और वो नमूनी मैडम को आप लोगों ने देखा कि कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, कोई सलाम नहीं, कोई दुआ नहीं, मेरी स्क्रीन पे मैं यूं करती हूँ, मेरी स्क्रीन पे मैं यूं करती हूँ, मेरा नाम का ये कोड है, ये फलां डायल करना, यूं करना, डिस्काउंट मिलेगा फलां। अरे भैया पूछा किसने, कल वाले जाओ आप लोग, जाओ और जाके फुर्सत से इनके कॉमेंट सेक्शन देखो, कल वाली वीडियो के भी देखना, परसों के भी देखना, उससे पहले वाली के भी देखना, कि कोई एक कमेंट भी ऐसा आया हुआ है कि किसी ने इनकी स्किन रूटीन के बारे में पूछा है। भैया पूछा भी है, अरे भाई 5 टाइम वजू का पानी मुंह पे डालो, मैं बोलती हूँ उससे अच्छा कोई टॉनिक ही नहीं है। सच में, सच में भाई वजू का पानी 5 बार दिन में वजू करो, भले ना साबुन यूज़ करो, ना फेस वॉश यूज़ करो, ना कुछ यूज़ करो, सिर्फ वजू करो 5 टाइम, उसके बाद देखो आपके चेहरा तो मैं बोलती हूँ 14वीं का चांद की तरह चमकेगा सच में। बहरहाल ये होंगी पोंगी चीज़ें तो मैं बोलूँगी भैया यूज़ मत किया करो, सच में स्किन ख़राब होती है और कुछ नहीं होता, ये होंगे पोंगे और ख़र्चे अलग, सच में ख़र्चे अलग। एक नॉर्मल हाउस वाइफ जो एक मिडिल क्लास के लोग हैं वो ये 500-1000 वाले प्रोडक्ट नहीं ख़रीदते बेटे भाई, इनके पास तो आता रहता है। और सबसे बड़ी बात, जिस चीज़ की ये प्रमोशन करते हैं ना वो चीज़ तो आती ही इनको फ्री में है। अब इनकी जो नन साहिबा हैं, ठीक है, अब उन्होंने थोड़ा, अभी मैं 15-20 दिन पहले की बात करूँ ना, उन्होंने एक हफ्ते के अंदर अपनी स्किन के उन्होंने 3 प्रोडक्ट की प्रमोशन कर दी। बोली ये लगाती हूँ देखें इससे मेरा स्किन अच्छी है, ये लगाती हूँ इससे अच्छी है, ये लगाती हूँ इससे। अबे भैया है किससे अच्छी है, आपने तो एक महीने में 3 मतलब तीनों के तीनों ख़रीदने पड़ेंगे हमको क्या, इसका मतलब क्या हुआ। इस बात का तो यही मतलब हुआ कि वो तीनों प्रोडक्ट ही ख़रीदने पड़ेंगे जो इन्होंने 1-2 दिन के गैप से, 3 दिन के गैप से जो है वो बताए हमें, है ना, वही तीनों करने पड़ेंगे। तो भैया ऐसा वाला बेवकूफ़ बनाने वाला सीन कर रहे हैं, मेरी कोई भी बहन ऐसे प्रोडक्ट में ना अपने पैसे ज़ाया तो बिल्कुल ना करे, वही पैसे अपने बच्चों को खिलाओ, बच्चे ऐसे खुश हो जाएंगे। सच में मैं तो यही करती हूँ बाबा, मैं कुछ नहीं लगाती पकाती। अच्छा दूसरी बात ये करें कि दूसरी बात क्या थी, थोड़ा जहन से निकल गई मेरे। हाँ जुम्मागी, अल्लाह भैया ये जुम्मागी का सीन ख़त्म नहीं हो रहा, अब ये लास्ट वाली जुम्मागी बची है, जो कि ये भी घर में ही हो रही है, ये अब अम्मा दे रही हैं यार। मतलब जुम्मागी वाला सीन होता है वही रिश्तेदार करते हैं, यहाँ तो आप ये जुम्मागी, ये शादी की जुम्मागी नहीं है असल में, पता है आप लोगों को, ये चैनलों की जुम्मागियाँ हो रही हैं। मुझे लग रहा है पहली जुम्मागी पता है आपको किसके मैडम के चैनल पर हुई थी, बड़ी मैडम के, दूसरी जुम्मागी छोटी मैडम के चैनल पर हुई थी, तीसरी जुम्मागी हैदराबाद में हुई थी बकौल इनके के ये हैदराबाद में हुई है, चौथी जुम्मागी अपन बिंदास वाली जुम्मागी करेगा वो उसने करी थी, अब ये पांचवी जुम्मागी अब ये करेंगे अस्सलामुअलैकुम, तो अब ये करेंगे हमारी आंटी जी। तो भैया ये जुम्मागियों का सिलसिला अल्लाह करे कि अब ये रुक जाए, मुझे लग रहा है ऐसा, मुझे डाउट है कि पांचवी जुमागी के अंदर लगता है कि फेस रिवील करवा देंगे, क्योंकि ये जुमागी जो है वो अम्मी करवा रही हैं। हाँ जी, तो पांचवी जुमागी अब करवा रही हैं अम्मी जी। और आप लोगों ने देखा कि अभी पूरे 1 महीने के बाद जो है वो वहाँ पे ब्लॉग आया, हे गाइस वेलकम बैक टू माय स्ट्रीट फूड जायका, है ना, तो वो भी आप लोगों ने देख लिया।
तो एक महीने के बाद आई है, तो अब पता नहीं ये लोग बोले थे मिलियन टिलियन में शायद व्यूज चले जाएंगे, तो ना मिलियन में गए ना टिलियन में गए ना शिलियन में गए, कहीं पर भी ना गए इनके व्यूज। और हाँ, बड़ी मैडम ने भी परसों अपने भाई की कॉपी करी। तुमसे ना हो पाएगा भैया, तुमने नहीं आया करना, तुम्हारे व्यूज भी नहीं आए। तुमने लाख चाहा कि जैसे मेरे भाई के व्यूज आ गए तो ऐसे मेरे भी आ जाएंगे, पर तुमने तुमसे ना हो पाएगा। पगली नकल नहीं किया करो, पगली पगली नकल नहीं करो, तुमसे ना हो पाएगा ये, ठीक है ना। वो बोलते हैं ना, वो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उसने वो बाजी ले गया तुम्हारा भाई उसमें, ठीक है ना। तुम रह गई पीछे, मत करना नेक्स्ट टाइम ट्राई, बिल्कुल मत करना। तुमसे नहीं हो पाया, कॉपी सिर्फ अम्मी अच्छी कर सकती हैं, आप नहीं। आप अम्मी बनने की कोशिश मत कीजिए, अम्मी को आती है कॉपी करना। तो क्या बोलते हैं आप लोग, अम्मी करती हैं अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो अभी देखना बहुत जल्दी शुरू होने वाला है ये अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय कॉपी फूड जायका। तो आज अम्मी क्या बना रही हैं, तो आज अम्मी लोगों को बेवकूफ बनाएंगी, तो वो आप लोग देखना। अब उसमें थोड़े ही दिन बाकी हैं, अम्मी कैसे आपको कॉपी करके वीडियो दिखाएंगी और कैसे कैसे लोगों की वीडियो पूरी डिटेल उसकी याद कर करके आएंगी, पर उसमें भी एक दो भंड मार जाएंगी, वो आप देखना। अच्छा, एक डेढ़ महीना लगेगा या तो 15-20 दिन तो लगी जाएंगे। कॉपी फूड जायका पे वीडियो आएगी, जैसे कि अभी आ चुकी है कॉपी फूड जायका पे। आजकल उनके व्लॉग ही आ रहे हैं, तो अभी कुछ दिनों तक व्लॉग ही आएंगे, क्योंकि आंटी के ज़माने में ऐसा ही होता है। अच्छा, समझे नहीं समझे। अच्छा जी, तो आप लोगों ने देखा होगा वो जो वो था ना, क्या बोलते हैं, टेडी बियर, मोटा वाला टेडी बियर, टेडी बियर टेडी बियर टर्न अराउंड, है ना। वो आ गया है फिर दोबारा से, देखा आप लोगों ने। पता है वो क्यों आया, क्योंकि अभी जो है ये जुमागियों का सिलसिला है, तो फिर लाजमी सी बात है कि घर में थोड़ा काम काज होंगे, बच्चों बच्चों को भी संभालना है, तो अभी क्या करें, छुप छुपा के माँ से आ गया। फिर माँ वीडियो के अंदर देख लेगी तो फिर इस मोटे के लगाएंगी 2-4 जूते, तो फिर ये मोटा भी भाग जाएगा। पर अभी तो चलेंगे जी जोरों शोरों से तैयारियां। अल्लाह ये जुमागियां ख़त्म हो जाए, अल्लाह इनकी जुमागी जुमागी बहुत खेल रहे हैं ये लोग, ये ख़त्म हो जाए इनका जल्दी से, तो फिर जाके हमको भी ना सुकून मिले कि हाँ भाई ये ख़त्म, और कुछ नई चीज़ें कुछ नई। और हाँ, आप लोगों ने देखा घर के बाहर, मैंने पहले भी ये बात बोली थी, बच्चे छोटे छोटे से बच्चे हैं, वही कचरा कुंडी के पास खेल रहे होते हैं नंगे पैर, यार चप्पल भी पैर में नहीं होती उनके बच्चों की, है ना। लेकिन यार इनके बच्चों की आप लोगों ने एक बात एक चीज़ पे, तो यार ये बच्चों के तो मैं तो सदके हो जाऊँ, सच में इन बच्चों के ऊपर ना मैं तो ऐसे बलाएँ ले लूँ। उई चटक गई यार, सच्ची वाली ली थी मैंने, देखा। तो भैया इनके बच्चों के मुंह से ना मैंने कभी भी ये नहीं सुना, कभी नाना का नाम, कभी दादा का नाम, ऐसा कोई सीन मैंने नहीं सुना कि कभी इनके बच्चों ने भी ये चीज़ पुकारी हो। मतलब क्या ट्रेन किया है सच में बच्चों को, बच्चे तो वरना बोल ही पड़ते हैं वीडियो के अंदर, क्या नॉर्मली घर के अंदर ऐसा बोल देते हैं, नानी दादा का जिक्र ले आते हैं, पर इनके बच्चे नहीं लेके आते। और आपने देखा आंटी को नमाज़ पढ़ते हुए भी उसने मंगू ने दिखा दिया था, अम्मी यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही है, यहाँ पे कुरान खानी हो रही है, देखा था आप लोगों ने कैसा इन लोगों ने दिखाने के चक्कर में। या अल्लाह, ये दिखाने वाली चीज़ नहीं है, तुम लोग अक्ल से पैदा लो, इस पर सिर्फ अमल करना होता है बाबा, अमल करने वाली चीज़ होती है, जो आपकी बातों से और आपकी हरकतों से लगता नहीं कि आप लोग अमल कर रहे हो इन चीज़ों पर, उस पर अमल करो, ठीक है ना। और उस वक्त भी जब कुरान खानी जब हो रही थी, तो वहाँ भी आपने देखा ये चंगू मंगू दोनों बैठे हुए थे, एक साइड टोपियाँ सजा के ऐसे बैठ गए, अभी अभी मदीने से उठकर आए हैं ये लोग, और मतलब खुद भी कुरान पढ़ सकते थे ना, तो खुद नहीं पढ़ ले, मतलब बैठे हुए ऐसे, वो कैमरे का कुछ हमारे सीन मिस ना हो जाए कहीं से भी, 2 मिनट का 4 मिनट का वो हमारा कंटेंट जो है ना वो भरपूर हमें मिल जाए। वो कैमरा नहीं छोड़ा जवान के पट्टे ने आठ से कि कुछ मैं भी एक सिपारा ही पढ़ लूँ, एक सिपारा पढ़ने में टाइम कितना लगता है यार, बामुश्किल आधा घंटा लगता है अगर कोई स्लो स्पीड में भी पढ़ेगा तो, है ना। कभी कभी पढ़ते हैं तो 1 घंटा भी लग सकता है, खैर कुरान पढ़ने के लिए 1 घंटा 2 घंटा कोई मायने नहीं रखता, है ना। तो बहरहाल
कि वही दिखावा इन्होंने दिखा दिया और बता दिया देखो कुरान खानी भी हम करते। बल्कि एक और बात उसमें उनकी वीडियो में ये अच्छी लगी कि चंगू ने बोला कि अभी मैं इन लोगों को बोल दिया हूँ कि हर महीने ऐसे ही करवाया करेंगे। बहुत बहुत अच्छी बात है ये, तो बहुत अच्छी बात है कि घर में इस तरह इज्तिमाई महफिल हो तो वो भी बहुत अच्छी रहती है, और अगर ख़ुद से हम पढ़ें वो तो फिर सुभान अल्लाह जी, उसकी तो फिर बात ही कुछ और जाती है। उसकी तो रहमतें बरकतें इतनी होंगी कि समेटते समेटते थक जाओगे, पर अल्लाह की रहमत और बरकत आपके घर से कभी जाएगी नहीं, है ना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बड़ी लंबी हो जाए, नाम लेना था किसी का तो वो ले देते हैं, फिर उसके बाद टाटा बाय बाय कर लेंगे। कहाँ चला गया नाजिया सरवर हैं, नाजिया सरवर हैं जी, ये कहाँ से हैं? अच्छा जी फ्रेंड्स, वो चैनल का नाम मुझे नहीं मिल रहा तो मैं वो तो नाम भूल गई हूँ, पर हमारी बहन के लिए आप लोग सब दुआ कीजिएगा। परेशान हैं, कोई परेशानी, अल्लाह पाक इनकी परेशानी दूर करें, इनकी इनको नागहानी आफत मुसीबत परेशानी से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप सब भी नाजिया सरवर के लिए दुआ कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो न्यू फ्रेंड आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अपने जैसा एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। मेरी छोटी वाली बेटी रूम में से बाहर आ गई, अल्लाह हाफिज़।